विभाग की लापरवाही कहें या जिम्मेदारों की उदासीनता, लेकिन बात 16 आने सच है। आपको बता दें कि वाहनों को खड़ा करने के लिए, जिनमें साइकिल और मोटरसाइकिल वाहन शामिल हैं, उन वाहन को खड़ा करने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर के ठीक सामने एक साइकिल स्टैंड बनाया गया था, लेकिन वह साइकिल स्टैंड अव्यवस्था और जिम्मेदारों की उदासीनता के कारण लापरवाही के भेंट चढ़ गया है। आपको बता दें कि साइकिल स्टैंड पूरी तरीके से जर्जर है। बड़ी बड़ी कंटीली झाड़ियां साइकिल स्टैंड के चारों तरफ उग आई हैं। आपको बता दें कि 1997 में इस साइकिल स्टैंड को शुरू करवाया गया था। 2 साल चलने के बाद यह साइकिल स्टैंड पूरी तरीके से बंद हो गया है और आज वर्तमान समय में यही साइकिल स्टैंड कूड़ेदान के रूप में तब्दील हो रहा है। आलम यह है कि साइकिल स्टैंड के न होने से आए दिन कलेक्ट्रेट परिसर से कभी मोटरसाइकिल तो कभी साइकिल फरियादियों की चोरी हो जाती है। इसके साथ ही कलेक्ट्रेट में जाम की स्थिति हो जाती है, सड़कों पर वाहन खड़े हो जाते हैं। ऐसे में बड़ी समस्या विभागीय लापरवाही के कारण हो रही है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है, इसके साथ ही वकीलों का कहना है कि कई बार प्रशासन को पत्र लिखकर साइकिल स्टैंड को शुरू कराने की मांग की गई, लेकिन उसके बाद भी इस स्टैंड को शुरू नहीं कराया गया। आपको बता दें कि ना तो इस स्टैंड की नीलामी हो रही है, ना ही यह स्टैंड किसी अन्य को सौंपा जा रहा है, जिससे लोगों की समस्या खत्म हो सके और निजात मिल सके। आपको बता दें कि लोग काफी परेशान हैं। आइए जानते हैं कि स्थानीय लोगों को साइकिल स्टैंड ना होने से किस प्रकार की दिक्कत का सामना कलेक्ट्रेट परिसर में करना पड़ रहा है और साइकिल स्टैंड को लेकर उनकी क्या राय है और वो क्या कुछ कहते हैं। आइए सुनते हैं लोगों की जुबानी। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, लोकेट पूर्व महामंत्री, जिला बार एसोसिएशन। यहाँ पर एक टैक्सी स्टैंड बनाया गया है हम लोगों के लिए, साइकिल व्हीकल खड़ी करने के लिए, वाहन खड़े करने के लिए, पूरी तरीके से जर्जर हो गया। प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। कैसे लोग अब यहाँ पर कार्य करते हैं? अब ये तो एक बहुत ही जन सामान्य समस्या है। सन 1994 जब तहसील यहाँ बनी, उस समय टैक्सी स्टैंड का निर्माण कराया गया था, लेकिन उसके बाद से लगभग 2 साल 1996 या 1997 तक चला। उसके बाद वो समझ लीजिए डस्टबिन के रूप में उपयोग हो रहा है। यहाँ तहसील अब कलेक्ट्रेट हो जाने से और समस्या बाधकारियों के लिए, अधिवक्ताओं के लिए, किसानों के लिए, और जो टैक्सी स्टैंड वाले हैं वो भी मनमाना काश्तकारों से पैसा वसूलते हैं, इसके लिए प्रशासन के अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। प्रशासन के अधिकारियों से कई बार जिला बार एसोसिएशन की तरफ से लिखा पढ़ी भी हुई, लेकिन आजकल करके टाल मटोल किया जा रहा है। तो किस तरह लापरवाही मानते हैं इसे? अब लापरवाही एक प्रशासनिक समझिए कि उस तरफ ध्यान आकृष्ट क्यों नहीं है, बस इतना है। और चूंकि रिजर्व भूमि उस पर किसी का अतिक्रमण नहीं है, केवल कूड़ेदान के रूप में प्रयोग हो रहा है, बस जिस दिन शासन चाह उस दिन उसको सफा करवा करके प्रयोग होने लगे। क्या नाम है आपका? सूर्य प्रकाश त्रिपाठी। यहाँ पर एक जो है कलेक्ट्रेट के सामने एक साइकिल स्टैंड बनाया गया है, पूरी तरीके से जर्जर हो गया है, प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, किस प्रकार की दिक्कतें होती हैं उससे? यहाँ साइकिल स्टैंड न होने से आए दिन साइकिलों की चोरी हो जाती है, फरियादियों को, वादकारियों को, सबको समस्या होती है। यहाँ विगत 2 सालों से साइकिल स्टैंड की नीलामी ही नहीं की जा रही है। इसके लिए हम लोगों ने SDM महोदय से कई बार कहा, लेकिन उन्होंने तहसीलदार से कहा, फिर तहसीलदार की ही सारी जिम्मेदारी है, अभी तक वो कोई काम इस संबंध में नहीं कर रहे हैं, इससे लोगों को समस्याएं हो रही हैं। पूरी तरीके से जर्जर, किस प्रकार की लापरवाही मानते हैं इसको? लापरवाही ये प्रशासन के राजस्व का नुकसान हो रहा है, जबकि इसके पहले ये कई बार ठेका इसका हुआ था, 50,000 लाख रुपये में इसका ठेका हुआ है, कई ठेकेदार भी इसका पैसा जमा नहीं किए इसके बाद, लेकिन 2 सालों से बिल्कुल नीलामी प्रक्रिया खत्म कर दी गई है, लोग आ जा रहे हैं और इसमें सबसे ज़्यादा राजस्व का नुकसान हो रहा है। 1 साल में कम से कम 2 लाख रुपए का नुकसान राजस्व का, उसके अलावा वादकारियों को भी आए दिन समस्याएं हो उठाने की।